हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी का जो बुक है एनपीएन पार्टनरशिप, उसका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बेटे, जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले हमें उस टॉपिक के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन आप बोलते हैं किसे? रिकॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस, जो उसका एग्रीमेंट है, सब कुछ दोबारा से तैयार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसे देखो लिखा भी हुआ है कि एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट गिव राइट टू चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसने क्या कहा है कि एक पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना, पार्टनर्स के एग्रीमेंट में होने वाला कोई भी चेंज, ठीक है ना, इसका पार्टनर्स जो अपना एग्रीमेंट को बदलते हैं, चाहे वो अपना रेशो बदलते हैं, चाहे अपना प्रॉफिट शेयरिंग सॉरी कैपिटल का पार्ट बदलेंगे या कुछ भी बदलते हैं, तो वो बोला जाएगा उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हम करते कब कब हैं, हम अपना रूल्स रेगुलेशंस अपना एग्रीमेंट कब चेंज करते हैं, तो उसकी कुछ निश्चित कंडीशंस हैं। लगभग पहले नंबर पे तो व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब आपको चेंज करना है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज दैट अभी भी दो पार्टनर थे एन बी, वो इक्वली 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आना। नेक्स्ट आता है व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हम किसी एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं, ठीक है ना, एक और नया पार्टनर बनाते हैं, तब हम अपने रेशो को चेंज करते हैं क्योंकि वहाँ पर पार्टनर बढ़ चुके, प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, ठीक है ना। व्हेन देयर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा, फर्म से रिटायर हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने रेशो को चेंज करेंगे, ठीक है ना। व्हेन देयर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, सिमिलर है रिटायरमेंट की, जब रिटायर होता है तो भी एक पार्टनर आपके बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है ना, और जब डेथ होगी किसी पार्टनर की तो भी आपका एक पार्टनर कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, तो आपको जो है ना उस नए पार्टनर के प्रॉफिट को भी अपने जो है ना रेशो में एडजस्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है ना आपको उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। व्हेन देयर इज अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप एक साथ जो है ना अपने बिजनेस को मर्ज कर लेती हैं, एक साथ मिला लेती हैं, तो ये क्या बोला जाता है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप का क्या होगा, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसे ध्यान से समझेंगे, सपोज एक फर्म है ए लिमिटेड, इसने अपने आप को मर्ज कर लिया दूसरी फर्म के साथ जिसका नाम है बी लिमिटेड। अब इन दोनों का जो मर्ज करके इन्होंने फर्म बनाई, इसका नाम रख दिया इन्होंने ए बी लिमिटेड, तो ये क्या होगी आपकी अमलगमेशन होगी। अब ऐसे में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टनर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना, बिजनेस का साइज भी चेंज होगा, ऐसे में क्या होगा कि एग्रीमेंट भी चेंज आएगा जरूर, तो ये क्या होगा आपका, ये सब जो दौरान करते हैं हम, ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एक पार्टनरशिप फर्म का, उसके रूल्स रेगुलेशन दोबारा से तैयार करना। अच्छा देखो बेटे, अब हम यहाँ पर समझ के चलते हैं कि आपको ये सारे तरीके बताइए, हम पूरी पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करें तो उन्हें पहली चीज तो ये रेशो चेंज होता क्या है और क्या क्या उन्हें अपने इसमें चेंज लाने पड़ते हैं, उन सबके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो बेटे, ये आया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कोई भी पार्टनर जो होंगे आपकी फर्म के, अगर वो अपना प्रॉफिट बांटने का रेशो चेंज करते हैं तो बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के बीच में हम समझते हैं कि सपोज दैट ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनका जो ओल्ड रेशो था अब तक वो था 3:2:1, ठीक है ना, लेकिन 1 अप्रैल से उन्होंने क्या किया कि अपने रेशो को चेंज कर लिया, अब उनका रेशो क्या हो गया 1:2:3, ठीक है ना। ये उनकी आपसी सहमति है कि किस वजह से उन्होंने चेंज किया है, कि कई बार ऐसा हो जाता है कोई पार्टनर अब बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा या कोई अदर रीजन भी इसका हो सकता है। अच्छा देखो बेटे, ओल्ड रेशो इनका 3:1 का था और नया रेशो जो हो गया 1:2:3 हो गया, इसे हम बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंडरस्टैंड बेटे,